नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ की एक प्रेस वीडियो में। हम लोग एयर इंडिया में आके पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जस्ट आके एंट्री किए स्टेशन के अंदर, और हमारे ठीक पीछे आप सब देख सकते हैं ध्रुव हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, जो कि कोस्ट गार्ड का वेरियंट है। यह आप देख सकते हैं कोस्ट गार्ड के लिए डेवलप किया गया हेलीकॉप्टर था ध्रुव हेलीकॉप्टर, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसके बिल्कुल बगल में वहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, उस साइड में अभी आप बाद में जाएंगे। अभी इसके कुछ सिनेमेटिक शॉट हम लेंगे, उसको आपको बाद में दिखाएंगे। और आगे हमारे सुखोई और मिराज वगैरह है, उधर भी हम लोग अभी जाने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। इससे पहले एयरो इंडिया के काफ़ी सारे वीडियो आप लोगों ने देख रखा होगा, तो अभी हम लोग एक रॉ वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, जो एक वॉकिंग अराउंड टाइप का वीडियो होगा। ये यहाँ पे हमारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, इसकी स्पेसिफिकेशन आप ज़रा यहाँ पे देख लीजिए। वैसे आपको पता होगा, अगर आप हमारी चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, ये LUH खड़ा हुआ है। यहाँ पर एक डोना 28228 जो है उड़ता हुआ ऊपर जाता हुआ, और उस साइड में तेजस खड़ा हुआ है, यहाँ पे वहाँ C390 खड़ा हुआ है एम्बर का, यहाँ पे सुखोई है, रफाल है, वहाँ पे इस साइड में वो शायद हरकुलस है। अभी एक IL-78 एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ करने जा रहा है, वहाँ पे आप देखो उधर से आ रहा है, अभी टेक ऑफ करेगा। शायद हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर जाना है उसको, अभी बस स्पीड ही पकड़ रहा है। एक काम करते हैं, शुरुआत जो है वो रफाल से करते हैं। इंडियन एयरफोर्स का सबसे तगड़ा एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे काफ़ी सारे वीड भी जमा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है मुझे एक्सटर्नल माइक लगा लेना चाहिए, क्योंकि आवाज़ आपको कैसा आ रहा होगा मुझे पता नहीं है। अभी आ जाते हैं करीब रफाल के पास, धूप बहुत बढ़िया पड़ रहा है, लाइटिंग कंडीशन बढ़िया है, ये आप देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स का VS-001 टेल नंबर वाला रफाल है ये, और दो हीट सीकर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, तीन ड्रॉप टैंक के साथ रफाल को डिस्प्ले किया गया है। और उसके बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे मिराज 2000 खड़ा हुआ है, और ये हमारा रफाल यहाँ पे खड़ा हुआ है। उसके बिल्कुल बगल में एक और डेल्टा विंग तेजस खड़ा हुआ है, तेजस के पास जरा चलते हैं। आज सुबह सुबह काफ़ी भीड़ है, बिजनेस डे में इतना भीड़ हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल डे होता है विजिटर आते हैं तो बहुत भीड़ होता है। ये अपना तेजस है, तेजस को इस बार जो है अस्त्र मिसाइल, एक R-73, एक लेज़र गाइडेड बॉम्ब, एक टारगेटिंग पॉड, एक ड्रॉप टैंक के साथ डिस्प्ले किया गया है। सेम जो स्पेसिफिकेशन है उसके अलग साइड में भी लगे हुए हैं मेरे हिसाब से, या फिर अलग मिसाइल लगाए गए, वो बाद में पता लगेगा। ज़रा रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा भीड़ है, लोग फोटो ले रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इस साइड में अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है सेम मिसाइल नहीं लगे हैं, यहाँ पे जो मिसाइल है वो शायद डर्बी मिसाइल है, जो कि इस साइड में लगा हुआ है, दूसरे साइड में अस्त्र मिसाइल लगा था। और यहाँ पर एम्बर की C-390 एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया, जो कि रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स को ऑफ़र किया गया था। इसको दो अलग अलग कैटेगरी में ऑफ़र किया जा रहा है, एक तो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर ऑफ़र किया जा रहा है, ये जो आप देख सकते हैं खड़ा हुआ है बिल्कुल हमारे सामने, और इसको एवेक्स बनाने के लिए भी ऑफ़र किया जा रहा है, मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट रोल के लिए भी इसको ऑफ़र किया जा रहा है। इसको बगल में बिल्कुल एक रडार को भी डिस्प्ले किया गया, कौन सा रडार है वो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं रुद्र हेलीकॉप्टर, वो दूर से दिख नहीं रहा क्या है, एक तो हमारा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है या ध्रुव हेलीकॉप्टर है, ये इसका स्पेसिफिकेशन है C-390 के। हो सके तो बीच में हमारा जो कैमरामैन है वो इसका सिनेमेटिक शॉट ले लेगा, वो आप देख सकते हैं बाद में। और वहाँ पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अपना लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लैंड करते हुए बहुत दूर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ धीरे धीरे जमने लगा है, और हम लोग तेजस के पास अभी आए हैं और C-390 के पास भी आके घूम के आ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये
रफाल खड़ा हुआ है यहाँ पे स्कैल्प मिसाइल के साथ, 3 ड्रॉप टैंक कन्फ्यूरेशन और 2 शायद माइका मिसाइल लगा हुआ है, 2 एक्सट्रीम विंग टिप हार्डबॉन्ड पे। और ये अपना मिराज 2000 है यहाँ पे। ये अपना मिराज 2000 है जो कि 2 ड्रॉप टैंक और डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन कन्फिग्रेशन के साथ दिखाया गया। मुझे वेपन ठीक से नहीं पता है यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है, माइका वगैरह लगा है शायद, ये उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है। और ये अपना मिराज 2000, सॉरी और मिराज के आगे बिल्कुल अगर देखें तो जैगुआर को डिस्प्ले किया गया है, बिल्कुल टेरिन 3 स्टैंडर्ड का जगह ही मुझे लग रहा है देख के, क्योंकि इसमें 2 ड्रॉप टैंक है, 1 टारगेटिंग पॉड है, 2 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है 2 विंग टिप पे है, टोटल 4 मिसाइल डिस्प्ले किया गया और एक एसरा मिसाइल को दोनों साइड में 2 एसरा मिसाइल डिस्प्ले किया गया है। और 2 हार्ड पॉइंट यहाँ हैं, 2 इधर हैं और 4 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के साथ सेंटर में एक लेजर गाइडेड बॉम्बर और एक टारगेटिंग पॉड के साथ जैगुआर को डिस्प्ले किया गया है। इसके बिल्कुल आगे हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, उसके आगे ध्रुव हेलीकॉप्टर का नेवलाइज्ड वेरिएंट जो है उसको डिस्प्ले किया गया है। हम जरा इसके कुछ सिनेमैटिक शॉट वगैरह ले रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अब अपाचे की तरफ जरा आगे बढ़ते हैं। ये अपना अपाचे हेलीकॉप्टर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपाचे हेलीकॉप्टर को डिस्प्ले किया गया, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया जो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, सॉरी अभी मैं गिर जाता यहाँ पे। तो 2 ड्रॉप टैंक है, 2 एक विंग टिप है, एक रॉकेट पॉड है, इस साइड में 2 हेल फायर मिसाइल लगा हुआ है, यहाँ पे ऑटो कैनन है और वहाँ पे 2 विंग टिप पे 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगा हुआ है, 2-2 करके 4 लगा हुआ है। उसके बिल्कुल आगे हमारा ध्रुव हेलीकॉप्टर है, नेवल वेरिएंट है उसका, इसका नोज सेक्शन आप देख सकते हैं, थोड़ा तो करीब जाते हैं। यहाँ पे ध्रुव हेलीकॉप्टर है, ये नेवल वेरिएंट है, आप खास करके इसका जो नोज सेक्शन है वो देख के पता कर सकते हैं कि ये नेवल वेरिएंट है, जिसको खास करके नेवल सर्वेलेंस और वैसे मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे, वो बाद में हम बात करेंगे, अभी हम लोग मैं आपको बस एक ओवरऑल ब्लॉग बता रहा हूँ, बाकी तो वीडियो में आपको पता ही होगा कि क्या होता है। फोटो ले रहे लोग थोड़ा दूर हो जाते हैं। ओके तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से एक अच्छा व्यू मिलेगा हमको ध्रुव हेलीकॉप्टर की नेवल वेरिएंट का। ये जो है अपना ध्रुव हेलीकॉप्टर है, इसके बिल्कुल बगल में सेम ध्रुव हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये जो है ये HAL का जो टेस्ट प्रोडक्ट था वही है जो आर्मी यूज करती है या अपना एयरफोर्स यूज करता है, ये बेस वेरिएंट है। और जो ये वाला वेरिएंट है इसको खास करके नेवल ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया था। और ये STD-40 को देखो, ये उड़ान भरते हुए STD-40 ऊपर जा रहा है, ये मार्क 3 है, सिविल वेरियंट है, ये भी ध्रुव हेलीकॉप्टर है लेकिन ये सिविल वेरिएंट है इसका। ओके ये एल्बाट्रॉस है, L-39 एल्बाट्रॉस, मुझे लगा कोई अपना जेट होगा लेकिन ये नहीं है, ये बेसिकली एक एडवांस टू इंटरमीडिएट लेवल का जेट ट्रेनर है जिसको पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हैं इसमें 2 सीट यहाँ पे मौजूद है, फ्रंट में एक और बैक में एक है, तो इसमें एक जो होता है वो ऑफिशियल पायलट रहता है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और जो रुकी पायलट होते हैं उनको पीछे बैठ के ट्रेनिंग करना पड़ता है।